morning I just called to my mother and say that today my talk in TEDx, a global event, and please bless me. My mother just said, "Wo to sab theek hai, par tumhe naukri karni chahiye thi." So better thing hai ki jis tarah se aaj matlab kai sare speakers ne bola ki environmental effect, climate change, and what is innovations, how we can develop our technology with sustainable and anything, everything. But ab point ye hai ki jo companies hai jitne bhi India hai ya world wide hai, hum har saal mein ek na ek event karte hain, 100 event karte hain ki har saal global platform pe ki environment ko kaise save kare, how to we save our environment and pollution kaise roke. और मोस्ट ऑफ द जो आपका पॉल्यूशन जनरेट हो रहे हैं आज की डेट, वो पॉल्यूशन जनरेट हो रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज से, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से, और भी कई सारे जहां से वेस्ट हैं, हम या तो वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम कुछ ज्यादा ही एडवांस सोच रहे हैं. मतलब कि पॉइंट क्या है कि हम बहुत ज्यादा एडवांस सोच रहे हैं और हमने जरा सर्व नहीं किया. सो बेसिकली मैं आपको बता दूं, ओके, माय अर्ली लाइफ, मैं क्या मतलब कि ये मेरा पहला स्टार्टअप नहीं, इट्स माय सेकंड. माय फैमिली इज अ साउंड फैमिली एंड ड्यू टू सम फाइनेंशियल क्राइसिस आई जस्ट स्टार्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट नेम इज द सक्सेस सेंटर एट प्रयागराज. लाल प्रयागराज बोलना पड़ेगा. सो आई एम एलुमनस ऑफ एमपी बिरला शिक्षा भवन एंड इंटर कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ बिरला ग्रुप. और जब मैंने पहला स्टार्टअप किया द सक्सेस सेंटर, तो मैंने क्या सोचा था कि मतलब कि वो स्टार्टअप कोई 6 साल से अभी भी चल रहा है, वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भले ही, बट इट इज ए स्टार्टअप. मेरी आत्मा है उसने, मैं आज भी जब वहां जाता हूँ तो मेरी एक स्पेशल क्लासेस हमेशा अरेंज होती है कि वहां पे मुझे पढ़ाना है. एंड बेसिकली आई एम मैथमेटिक्स टीचर एंड दिस कोचिंग इज फॉर इंटरमीडिएट एंड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेस. और पॉइंट क्या है कि जब मैंने पहला अपना स्टार्टअप किया द सक्सेस सेंटर, मेरी फैमिली ने मुझसे बोला कि क्यों, कोई कमी है आपको या फिर कुछ भी ऐसा? तो नहीं, पॉइंट ये था कि मुझे सीखना था. वो एक हम सबके अंदर एक कहीं ना कहीं एक स्टार्टअप का कीड़ा है, बट हम क्या कर रहे हैं उस कीड़े को बाहर नहीं आने देते. कभी हमारे पेरेंट्स के डर से, कभी अपने फ्रेंड्स के डर से, या कुछ भी ऐसा हो सकता है. मैं आपको बता दूं कि जिस टाइम पे मैंने आइडिया आया था ना मेरे दिमाग में कि आई कैन इंक्रीज द efficiency of any kind of rotary motion object or IC engine. तो उस टाइम मैंने अपने कई सारे दोस्तों को बताया एंड दे आर ऑल लाफ ऑन मी कि भाई तुझे दौरे पड़ रहे दौरे पड़ने लगे तुझे, और ऐसा है भाई कि तू अपना इलाज करा, आज ही चलते मेडिकल हॉस्पिटल 2 to 3 times. Can we seriously increase the efficiency और माइलेज एवरेज ऑफ एनी काइंड ऑफ रोटरी मोशन ऑब्जेक्ट इतना कैसे? एंड द क्वेश्चन इज सेम टुडे, इन टुडे सिनेरियो द सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय मेनी काइंड मेनी वेंचर कैपिटलिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, इज इट पॉसिबल? बट यस इट इज पॉसिबल बिकॉज द आइडिया इज बेसिक. हम क्या करते हैं, हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमें बेसिक नहीं, हम एडवांस कुछ करेंगे. हम क्या करेंगे, सीधे सीधे रॉकेट लॉन्च कर देंगे एसएमवीडीयू के पैनल से. क्या करेंगे, हमें रॉकेट नहीं लॉन्च करना है, बेसिक थिंग हमें चेंज करनी है, हमें अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में झांकना है. आज मैं आपको बता दूं,
बेसिकली जब ये आइडिया मेरे दिमाग में आया था तो मैं मतलब कि आई विल स्पेशली थैंक्स टू वाइस चांसलर सर कि उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम्हारे पीछे कंपनीज पड़ रही है, महिंद्रा है, बजाज है, अच्छा ऑफर कर रही है, और पर इससे बेटर है कि तुम एक स्टार्टअप कर लो। मैं भी खुश हो गया कि ये वीसी सर ने मुझे बोला है, वाइस चांसलर सर ने कि स्टार्टअप कर लो। मैं भी खुश, मैंने खुशी में अपने घर पे फोन लगा एंड टिपिकल इंडियन फैमिली की तरह उधर से रिएक्शन आया, बेटा वो सब ठीक है, ये 11.5 लाख का जो पैकेज मिला था तुम्हें, 11.5 लाख पर एनम का पैकेज मिला था बेटा, उसका क्या होगा, पास वाले गुप्ता जी क्या कहेंगे। तो पॉइंट यहाँ पे था कि हमें क्या है, बट यस देयर आर लॉट्स ऑफ स्ट्रगल वी हैव टू फेस when we start our journey as an entrepreneur. And this tag of entrepreneur is easy to catch, but toughest to sustain that tag that you have entrepreneur successfully for 5 years or 6 years or 7 years. And I have recently completed my 2 years, but as a fresh startup, I currently successfully complete my 6 years. So, आइडिया क्या था पता है, बहुत ही बेसिक आइडिया था, तीन चीजें आपको हमेशा सोचनी होती है अपने दिमाग में। Do you hear, are you listen about golden circle? Golden circle? No. Okay. What is golden circle? There are three questions you have to ask when you start any kind of startup or any kind of thing. First thing is why. Point is why, हम क्यों करना चाहते हैं। Second चीज होती है how, हम कैसे करेंगे। And third चीज है what. Basically हम क्या करते हैं, what we do, we think about what, हमें क्या करना है, what to do, how to do and why to do. But होना क्या चाहिए, हम क्यों कर रहे हैं, हम कैसे करेंगे, हम क्या करें। और लोगों को लगेगा मे बी ये रॉन्ग है या ये उल्टा है, नहीं, पॉइंट ये है कि आज इंडिया में 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, तो इसके पीछे वजह यही है कि हम इन तीन चीजों को अलग सीक्वेंस में डाल देते हैं। और पॉइंट भी है कि मैंने भी जब स्टार्टअप किया था तो 2014 से पहले मेरा कोई स्टार्टअप करने का मन नहीं था, जब मैं यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आया मेरा कोई मन नहीं था, बट उस टाइम भी करंट सिनेरियो पॉलिटिकल सिनेरियो ये था कि अब की बार मोदी सरकार, तो अब की बार मोदी सरकार, फिर स्टार्टअप की आ गई बार, एंड नाउ मुझे भी जब स्टार्टअप हुआ तो उस दिन तो मैंने भी सोचा हो गया यार अच्छा चीज है चल रही है चलने दो मुझसे क्या है, बट आफ्टर 1 year व्हेन आई गॉट द आइडिया इन माय माइंड एंड फिर मैंने मुझे क्या लगा कि शायद मुझे भी स्टार्टअप करना चाहिए, बट एज यूजुअल तो उसके बाद क्या होता है कि स्टार्टअप जो करना चाहिए था, तो पॉइंट चार थे मेरे दिमाग में कि मैं क्यों ये स्टार्टअप में, बेसिकली वो चीजें क्या थी कि कुछ मेरी इंटर्नशिप ट्रेनिंग के दौरान ही मुझे एक ऐसे पर्सन के साथ में कोलैबोरेट किया जो हम दोनों मिलकर काम कर रहे थे, तो चार चीजें मेरे दिमाग में उस टाइम पे भी चल रही थी। फर्स्ट चीज जो थिंक थी वो जो मेरे दिमाग में थी कि हाउ टू वी सेव द नेचर, मतलब नेचर को कैसे बचाएं, पॉइंट ये था। फिर सेकंड चीज थी कि हमारे पास इतने कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी लाख हमारे पास है बट कोई भी इतना ज्यादा सस्टेनेबल नहीं सोर्स नहीं है जो हमारी आने वाली अपकमिंग जनरेशंस को हेल्प करेगा, उनका क्या कहना होगा, पिताजी तो गुजर गए साथ में हमको भी पुराने जमाने में भेज गए, तो दैट्स अ फैक्ट दैट अगर आप एक सोलर पैनल भी लगा रहे हो तो 25 years उसकी लाइफ होती है, उसके बाद उसे आप चेंज नहीं सकते कर सकते हो, रिसाइकल नहीं होते हैं, ठीक है, हमारे पास लॉट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस हैं बट हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो हम उसे कर सकें। तो पहला पॉइंट जो था हमारा कि रिड्यूस
जो करना था, ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन मेरे लिए बहुत ही थोड़ा मुश्किल था, सबके लिए मुश्किल होता है कि हाउ दिस कैन पॉसिबल, मतलब ऐसे पॉसिबल हो गया। दुनिया भर के साइंटिस्ट है, नासा इसरो है, डीआरडीओ है, वो तो कर नहीं पा रहे, आप है बड़े करने वाले, तो दैट्स अ फैक्ट कि हर किसी के दिमाग में चलेगा। और सेकंड पॉइंट जो था कि हमारे जो नेचुरल ऑयल है या हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स है और फॉसिल फ्यूल्स है, इसको रिजर्व रखना है अपनी अपकमिंग जनरेशन के लिए। एंड उसके बाद जो है डेवलपिंग हाईली एफिशिएंट आईसी इंजन। आईसी इंजन आपको पता है, इवन मैं कहता हूं कि आईसी इंजन ही नहीं, रोटरी मोशन ऑब्जेक्ट भी है। आपके दरून फ्रेंड जो सोच रहे वन एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम वो कोई 2.5 से 3 घंटे में कर लेती होगी, बट जब मैं अपना कॉन्सेप्ट वहां पर लगा सकता हूँ तो इट कैन रन बाई कंज्यूमिंग सेम इलेक्ट्रिसिटी फॉर 12 hours, 15 hours विदाउट अफेक्टिंग द लाइफ एंड परफॉर्मेंस ऑफ द फ्रेंड। आप में से बाइक भी कोई चलाता है? सभी चलाते होंगे ऑलमोस्ट। क्या एवरेज आती है? व्हाट? 40। सपोज कल से वो 160-170 किलोमीटर पर लीटर का अगर एवरेज देने लगे, व्हाट? प्लीज से लाउड। ओके, मजाक है तो मजाक नहीं है, कार्बाडेक्स। ओके, जस्ट से अबाउट माई प्रोडक्ट कार्बाडेक्स। तो ये प्रोडक्ट जो कार्बाडेक्स है या फिर जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट्स भी बहुत ही बेसिक हैं। और लास्ट चीज क्या है कि हमें इंजन की लाइफ डिक्रीज करनी है, इंजन की लाइफ इंक्रीज करनी है बाई डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ इंजन। ये पॉइंट है हमारे पास। उसके बाद आता है हाउ। जब ये चारों चीज मेरे दिमाग में चल रही थी कि ये चीज मुझे करनी है, बट हाउ मैं ये कैसे कर सकता हूं, तो तीन चीजें थी। आप सबको ऑक्सीडेशन पता होगा, यस? ओके, आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी पता होगा, आपको रोटरी मोशन भी पता होगा। ये तीनों कॉन्सेप्ट इतने बेसिक हैं और वो किसी के भी दिमाग में आ सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट को हम यूज करके अपने प्रोडक्ट्स लाए, ठीक है। अब सपोज अगर ये 60 हॉर्स पावर का एक इंजन अगर आप लेके आते हो और वो कोई 3-4 लीटर डीजल वो कंज्यूम कर जाता है कोई 1 घंटे में, और अगर वो 1 लीटर ही डीजल कंज्यूम करेगा 1 घंटे में, तो क्या दिक्कत है? आपकी एनवायरनमेंट में जो हार्मफुल गैसेस इमिशन हो रही थी वो भी रिड्यूस हो रही है, प्लस आपके जो क्या कहते हैं कि उसके इंजन का टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है और उसकी सर्विसिंग टाइम भी इंक्रीज हो रही है, मतलब पहले 2000 किलोमीटर पे अब 3500 किलोमीटर पे। तो बेसिक थिंग क्या है कि मेरे जो कॉन्सेप्ट है या वो आइडिया है, ये मतलब कि हो सकता है मैं भी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मायने हो, बट हर किसी के लिए नहीं रखते। हर किसी के अंदर अपना एक शैतान होता है, ठीक है, वो शैतान जागेगा कैसे वो मैटर करता है, ठीक है। कुछ दिन पहले मेरे पास कुछ लोग आए कि सर मेरे पास ये आइडिया है, इज इट फिजिबल? मे बी वो नहीं भी हो, बट मैं आपको ये नहीं कह सकता कि नहीं ये नहीं। मैं आपको ये कहूंगा कि आप वर्क करो उस पर, यू हैव टू इनोवेट समथिंग न्यू, आप तो करो उस पर काम। आप पहले ही जब डिमोटिवेट होना चाहते हो तो आप चले जाते हो। मैं भी गया था अपने फैकल्टी के पास, मैं भी गया था कि सर ये मेरा प्रोडक्ट है, मतलब सॉरी सर ये मेरा कॉन्सेप्ट है, कुछ आइडिया दिमाग में आ रहा, तो फैकल्टी जो थे ऐसे, अच्छा आइडिया, ये बताओ बेटा तुम्हारे लास्ट सेमेस्टर में कितना पॉइंटर है? मैंने कहा सर 6 पॉइंट। बेटा उसे 6 से 9 करो, ठीक है, बाकी चीजें भगवान पे छोड़ दो, डिग्री लेने के बाद आफ्टर ये पॉइंट ये कि आपको मैक्सिमम लोग, हो सकता है कि 100 में से कोई 10 ऐसे होंगे जो आपको शायद मोटिवेशन देंगे, बट 90 लोग
90 पीपल आपको क्या करेंगे कि नहीं नहीं सप्रेस करने की कोशिश करेंगे. रीजन क्या है? बहुत ही सीधे कॉन्सेप्ट है. देखो उनके भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये डर बसा है. ऐसा नहीं था कि वो नहीं चाहते थे कि एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना या इंडस्ट्रियलिस्ट बनना या एक बिजनेस टाइकून बनकर के यहाँ खड़ा होना. मैं आपके ही बीच से यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं आपके ही बीच से उठ के आया हूँ और आई होप कि आगे आप में से जो बैठे हुए हैं उनमें से उठ के कोई ना कोई यहाँ पे आएगा. तो पॉइंट ये है कि उनके दिमाग में जो एक बैठी हुई है ना कि डर बैठा हुआ है उनको, उनकी फैमिली का, समाज क्या कहेगा, सोशल इम्पैक्ट फैक्टर्स जो भी. बट पॉइंट ये है कि आपको जो भी काम करने हैं वो आप डिस्कस कीजिए. यस, यू हैव टू डिस्कस विद समवन. बट जब आपको वो काम करना है ना तो आप डिस्कशन से क्या होता है पता है? डिस्कशन से क्या होता है? रिजल्ट आते हैं क्या? खासतौर पे बीटेक हॉस्टल लाइफ में या किसी और यूनिवर्सिटी लाइफ में डिस्कशन आप लाग कर लीजिए. हो सकता है आपके बीच में हाथ पैर चल सकते हैं बट वहां से एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं. मे भी हो सकता है कि वहां पे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होंगे. डिस्कशन जब आप करते हैं तो आपको अपने अंदर झांकने की पहली जरूरत है कि आप अपने अंदर झांकिए कि मैं क्या करना चाहता हूं, मुझे क्या करना है. आपको ये झांकिए कि हाँ मेरे दिल से ये आवाज आ रही है. दिल की सुन, दिमाग की कहां सुन रहे हैं? पॉइंट ये है. बट हम क्या करते हैं कि हम दिल से सुन रहे हैं और जो हमें सामने वाला मोटिवेशन दे रहा है या डिमोटिवेशन दे रहा है वो दिमाग से ज्यादा सोच रहा है कहां कर पाऊंगी आज चले कल फिर से थक जाओगे. जिस दिन मैंने अपना स्टार्ट किया था तो महिंद्रा से जो जिन्होंने से मेरी बात हो रही थी कि आप पेटेंट मुझे भेज दो, उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है कि चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी है. अच्छा पॉसिबल. आज कोई दो साल हो गए पूरे होते हुए, चार दिन की चांदनी भी नहीं है पर अंधेरी रात. पॉइंट ये है कि हम मार्केट को एनालाइज कैसे करते हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर के. फिजिबिलिटी क्या है प्रोडक्ट की, हम मार्केट को कैसे एनालाइज करेंगे. पॉइंट यहाँ पे आता है कि हम मार्केट को किस तरह चाहते हैं, वो कैसा है. मार्केटिंग करके तो मोदी भी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो हम क्यों एक बिजनेस टाइकून में से या आप में से कोई कैसे बन सकता कि हम या आप बिजनेस टाइकून क्यों नहीं बन सकते. उसके लिए ऐसा थोड़ी है कि आपको बीटेक करने की जरूरत है, एमबीए करके आप फिर आओगे मार्केट में उतरोगे कि नहीं मुझे बिजनेस चलाना है. ठीक है, आपने मार्क जुकरबर्ग का नाम सुना होगा, पता ही होगा उसके हिस्ट्री प्रोफाइल मुझसे बेटर शायद आप जानते हैं. तो वो भी कोई हाईली क्वालिफाइड पर्सन नहीं है बट आज दुनिया के टॉप एंटरप्रेन्योर्स में से उसका नाम एक है. तो पॉइंट ही यही है कि हमें अपने अंदर के जो इनोवेशन है, एक अपने अंदर एक इंटेलेक्चुअल है, मतलब इंटेलेक्चुअल कहते हैं मुझे हैरानी है आपको सुनते हुए कि अच्छा इंटेलेक्चुअल है भी नहीं. तो बाकी आप में हर किसी में एक इंटेलेक्चुअल पर्सन रहता है, वो इंटेलेक्चुअल उसको नहीं मारना. आपके अंदर एक इनोवेटर रहता है उसको नहीं मारना. हो सकता है आप पेटेंट नहीं फाइल कर सकते और हर चीज पे पेटेंट फाइल भी नहीं होता है. आप कंप्यूटर साइंस के चीजों पे अगर सोचो कि पेटेंट ले ले, नो नॉट एट ऑल, तो वहां पे पेटेंट नहीं होते. बट आइडिया, आइडिया व्हाट एन आइडिया सर, सुना ही होगा. तो आइडिया ढूंढ के लाओ आपको कि कुछ ऐसे आइडियाज, कुछ ऐसे तरीके जो शायद भले बहुत देखने में बहुत ही बेसिक होंगे, बहुत ही ज्यादा बेसिक होंगे, बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल होंगे बट वो आइडिया पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं, एक नई रिवॉल्यूशन ला सकते हैं. वो ऐसे हो. सो लास्ट थिंग, व्हाट, देयर इज टू प्रोडक्ट ऑन द स्क्रीन. फर्स्ट इज कार्बाडेक्स एंड सेकेंड इज जेंडेक्स. बोथ आर हाईली एफिशिएंट प्रोडक्ट. सो मैं आपको अपने एक ब्रीफ आउट बता चुका हूँ कि इस प्रोडक्ट से क्या है क्या नहीं है. बट यहाँ इवन क्या होता है
कि जब हम किसी के पास जाते हैं अपना प्रोडक्ट लेकर के कि सर ये हमारा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को आप देखिए, प्लीज लुक हैव अ लुक ऑन दिस प्रोडक्ट, सर प्लीज हेल्प मी, वो भी सोचता है शक्ति का पुत्र आगे सही है आगे। पॉइंट है कि मार्केट में बैठे हुए लोग भी किसी बिग जॉइंट से कम नहीं, वो भी आपके आइडिया को आपको इतना डिमोटिवेट कर सकते हैं कि मे बी आप उसे ड्रॉप आउट कर दो और नेक्स्ट डे पे आपको पता चले कि जिस आइडिया पे मैं काम कर रहा था आज वो कंपनी उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर रही है। पॉसिबल है, ठीक, ये चीजें होती हैं, इस तरह की चीजें हमेशा होती आती हैं। सपोज मैं आपको बताता हूँ कि जिस दिन मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट करने जा रहा था तो मेरा फर्स्ट स्टार्टअप, उस दिन मैंने अपने एक कुछ फ्रेंड्स को बुलाया, मैंने कहा यार हम लोग एक क्यों ना एक कोचिंग स्टार्ट करते हैं, तो हमारे साथ हमारे एक सीनियर थे वो भी आए, कहे हाँ हाँ क्यों नहीं आप करो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, एक शुभ मुहूर्त देख करके, ठीक है, माता को प्रसाद चढ़ा करके जय माता दी बोल करके उद्घाटन करेंगे, ठीक, इनॉग्रेट करेंगे। इनॉग्रेट मुझे छोड़कर कोई नहीं आया, पता चला एक और कोचिंग सेम डे पे बगल वाली है उसमें खुली हुई है और वहां चार लोग हैं, मैं अकेला खड़ा हूँ, बट एक साल उससे ज्यादा वो कोचिंग सस्टेन नहीं कर पाई। वाई उनका क्या सोचना था कि हम एक एडवांस बच्चे हमारे जो आए हैं वो पीएचडी करके आए हुए हैं, हमें इनको पोस्ट डॉक्टरेट करना है, वो ये सोच के पढ़ा रहे थे। बट हम क्या सोचते थे, हमारी क्या सोच होती है कि बेसिक चीज उनको दे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करें, क्योंकि वही बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी बड़ी रिवॉल्यूशन को जन्म देती है। ठीक, अगर मैं सच बताऊं मैंने कोशिश की होती कि एक टायर को बदल, एक टायर को चेंज करने से भी आपके प्रोडक्ट की एफिशिएंसी बढ़ती घटती है, आपके बाइक की या आपके स्कूटी की आपके कार की एक टायर के अंदर में जो आपके उस पे जो वो होते हैं डाइस बने होते हैं, अगर उसे भी हम चेंज कर लेते हैं तो प्रोडक्ट की एफिशिएंसी चेंज हो जाती है। बट वो कितनी होती है, 0.2%, 0.3%, माइलेज पे क्या फर्क पड़ा, एवरेज पे क्या फर्क पड़ा, बट मैंने कॉन्सेप्ट कौन से चुने, बहुत ही बेसिक। वो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट ने क्या किया कि वो 0.3% की जगह शायद 300% हो गए। मैं खुद भी हैरान होता हूँ जब कोई पूछता है कि भाई ये वाली जो बाइक है आपकी ये क्या एवरेज दे रही है, मैं बताता हूँ आती तो 200 है पर शर्माते बोलता हूँ 160, 170। क्यों, डर अंदर से भी आता है, इतना बढ़ गया। मैंने एक टायर हल्का सा चेंज क्या कर दिया कि वो 200-250 से ऊपर जाने लगा, मुझे हार्ट अटैक आता है, बच्चे ये क्या हो गया, इसको कम करो भैया, मैंने बोला पसीने आ रहे हैं, पूछ रहा हूँ भैया कम करो टायर, इतने में लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा। पता चला कि लोगों को लगने लगा कल से 20 रुपए लीटर पेट्रोल, 20 रुपए लीटर, ये मोदी गवर्नमेंट की या कोई भी गवर्नमेंट होगी कैंपेन कर देगी आपके कि भाई आज से, वैसे भी हमारे न्यूज मीडिया क्या करती है, आज से 20 रुपए लीटर पेट्रोल कैसे, ये प्रोडक्ट लगाई हो जाए। वो है ना, ध्यान से देख के इस आदमी को, यही है वो जिसने ये प्रोडक्ट तैयार किया। तो ये चीजें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है और इनोवेशन, अपने अंदर के इनोवेटर को ना बढ़ने दो, एक बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलो, ग्रैब करो उसे कि हमें इसी कॉन्सेप्ट पे आगे चलना है, इसी कॉन्सेप्ट को बढ़ाना है, भले हमें एक दिन लगे या 10 दिन लगे या 1 साल लगे। ठीक है, जिस दिन आपने वहां पे क्विट किया उस दिन आपने अपने एंटरप्रेन्योर स्किल्स को भी क्विट कर दिया, आपने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट अपने अंदर की आत्मा को भी क्विट कर दिया, क्योंकि जब आप स्ट्रगल नहीं कर सकते हो तो आप में पेशेंस नहीं आ सकता,
And this is the key point, this is the key thing for any entrepreneur. So, have a fun.